नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं स्वीटी सालेचा, लेक्चर मैकेनिकल। आज आपको ME 306 का एक टॉपिक समझाने जा रही हूँ, जो है सरफेस फिनिशिंग ऑपरेशंस। तो व्हाट डू यू मीन बाय सरफेस फिनिशिंग ऑपरेशन, व्हाट आर द वेरियस सरफेस फिनिशिंग ऑपरेशन। सरफेस फिनिशिंग ऑपरेशन क्या होता है कि हमने जैसे लैथ पढ़ी है, लैथ में टर्निंग होती है, ग्राइंडिंग होती है, ये सारे ऑपरेशन जो होते हैं वो मेटल रिमूवल ऑपरेशन होते हैं। मीन्स फिनिशिंग तो उनमें भी होती है, बट उसमें मटेरियल रिमूवल बहुत ही ज्यादा होता है और एकदम प्रिसाइज फिनिशिंग नहीं आती है। तो आज मैं आपको एक वन ऑफ द मेटल रिमूवल सरफेस फिनिशिंग ऑपरेशन बताने जा रही हूँ, जिसका नाम है लैपिंग प्रोसेस। अब लैपिंग प्रोसेस क्या होती है? जनरली हमने अभी तक जो लैप देखा था, लैप क्या होता है कि दो प्लेट अगर एक के ऊपर एक रखी भी हो, इस पोजीशन को हमने अभी तक पढ़ा था लैप। लैपिंग ऑपरेशन में क्या होगा? लैपिंग ऑपरेशन में एक तो आपकी होती है लैप, वर्कपीस, और उसके बीच में कुछ एब्रेसिव पार्टिकल्स जो कि फ्री होते हैं, फ्रीली मूव होते हैं, उससे क्या होता है मटेरियल रिमूवल होता है या सरफेस फिनिश होती है। इसमें मटेरियल रिमूवल कितना होता है? बहुत ही कम। जैसा कि मैंने बोला, सरफेस फिनिशिंग ऑपरेशंस में मटेरियल रिमूवल बहुत ही कम होता है, तो इसमें मटेरियल रिमूवल होता है 0.0032-0.03 mm, जो कि बहुत ही कम होता है। अब हम इस ऑपरेशन को समझते हैं। तो लैप में आप देख सकते हैं ये एक पार्ट है, वर्टिकल स्पिंडल, सपोज टू बी ये वर्टिकल स्पिंडल पे अटैच्ड है लैप। लैप क्या होता है? ये स्टेशनरी पार्ट होता है, नीचे की तरफ रखा हुआ होता है वर्कपीस, इनके बीच में होते हैं अब्रेसिव पार्टिकल्स। अब्रेसिव पार्टिकल्स कहीं भी फिक्स नहीं होते, जैसे ग्राइंडिंग व्हील में तो अब्रेसिव पार्टिकल की पूरी डिस्क होती है, प्लेट होती है, बट पूरा व्हील होता है, बट यहाँ पर अब्रेसिव पार्टिकल जो होते हैं वो फ्री होते हैं, और ये फ्री इनके बीच में एक मीडियम होता है, एक जिसको हम बोलते हैं व्हीकल। व्हीकल क्या होता है? जो इनको रोटेट करने के काम में आता है। अब व्हीकल में क्या होता है? व्हीकल जो होता है वो मिक्सचर होता है कुछ ऑयल्स का, वेजिटेबल्स ऑयल, समझ लो ऑयल, ऑलिव ऑयल हो गया, केरोसिन हो गया, वाटर सोल्यूबल ऑयल्स हो गए, ये सब मिक्स होते हैं मशीन ऑयल, रैप ऑयल और ग्रीस में मिक्स करके हम इसमें डालते हैं, ताकि अब्रेसिव पार्टिकल्स जैसे वर्कपीस रोटेट होता है इसके साथ साथ रोटेट होते रहे। अब व्हाट आर द वेरियस अब्रेसिव पार्टिकल्स यूज्ड इन द लैपिंग प्रोसेस? फर्स्ट है एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड सिलिकॉन कार्बाइड। इनकी ग्रेन साइज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बहुत ज्यादा बड़ी ग्रेन साइज के ये नहीं होने चाहिए। तो इसका जो है ग्रेन साइज है 5 to 100 micron। फिर होते हैं क्रोमियम ऑक्साइड, ग्रेन साइज यहाँ पे मैंने दी हुई 1 to 2 micron। डायमंड, डायमंड भी हम यूज करते हैं जिसकी ग्रेन साइज होती है 0.5 to 0.5 V। नाउ ये तो इसका बेसिक प्रोसेस है। अब इसमें क्या क्या अप्लाई होता है? फर्स्ट वर्क पीस रोटेट होना चाहिए, और जो ऊपर लैब की प्लेट है जो स्टेशनरी है, ये प्लेट क्या होती है, इसके ऊपर हम एक यूनिट प्रेशर लगाते हैं। अमाउंट ऑफ प्रेशर कितना लगाना है ये हमको पता होना चाहिए कि इसमें कितना अमाउंट ऑफ प्रेशर लग रहा है। अब लैपिंग की टाइप्स कर लेते हैं। तो लैपिंग, हैंड लैपिंग भी होती है और मशीन लैपिंग भी होती है। हैंड लैपिंग में क्या हो जाएगा? अगर हम हैंड लैपिंग समझना चाहते हैं तो क्या हो जाता है, एक सपोज टू बी ए प्लेट है, जिसको हम बोल देंगे लैप। इसके हमने ऊपर हमने वर्कपीस रखा हुआ है, और इसके बीच में एब्रेसिव पार्टिकल्स, मीडियम्स एंड व्हीकल लगे हुए हैं। अब इस प्लेट को हम इसके ऊपर क्या कर रहे हैं, जो हमारा वर्कपीस है, ये हमारा क्या है, वर्कपीस, इसको हम बाय हैंड इसको इसमें क्या करते हैं, रोटेट करते हैं, यानी कि इस पे घुमाते हैं, जिससे कि इसकी लैपिंग हो जाए। ये वाली प्रोसेस है फर्स्ट आपकी हैंड लैपिंग। तो इसमें आपके क्या है, वर्कपीस मूवेबल होता है, पर वो किससे होता है, बाय हैंड। बाकी प्रोसीजर सेम है, यहां पर आपके एब्रेसिव पार्टिकल्स हैं,
और क्या है इसके बीच में जो मीडियम है, अगेन पिकल है, ठीक है। नाउ अब आपके है मशीन लैपिंग, सेकेंड डायग्राम आपके क्या आ जाता है, मशीन लैपिंग। मशीन लैपिंग, मशीन लैपिंग में वर्टिकल स्पिंडर लगा हुआ होता है, सपोज टू बी जैसे हमने टेबल होती है उसी तरह से यहाँ पर क्या होता है, रोटरी लोअर प्लेट होती है जिसके ऊपर की वर्क पीस रखा हुआ होता है। अगेन वर्क पीस के बीच में व्हीकल एंड अब्रेसिव पार्टिकल इनके बीच में रहते हैं। ऊपर एक स्टेशनरी प्लेट होती है जो भी स्पिंडल पे लगी हुई होती है, वर्टिकल स्पिंडल पे, और रोटेटिंग प्लेट वो भी स्पिंडल पे लगी हुई होती है। इस प्लेट से हम एक फिक्स प्रेशर प्रोवाइड करते हैं, इसका एक ही काम है कि ये ऊपर से नीचे आके प्रेशर प्रोवाइड करती है। अब वर्क पीस सपोज टू भी हमारे पास रिंग्स हो गई या और भी कोई स्टेशनरी प्लेट्स हो गई, ये वर्क पीस क्या करते हैं यहाँ पर जायरोस्कोपिक मोशन करते हैं। जायरोस्कोपिक मोशन से क्या होगा, ये इसके पूरे एरिया को कवर करता है व्हीकल, ये जो वर्टिकल ये जो प्लेट है इसके पूरे एरिया पर ये क्या होती है वर्क पीस रोटेट होते रहते हैं, और ऊपर से इसकी बाउंड्री पे ये फिक्स रहे, इसलिए हम इस पे क्या करते हैं एक फिक्स इस प्लेट को नीचे लाते हैं, और इस पे क्या होता है सपोज टू बी ये नीचे आ गई, एक फिक्स प्रेशर बना हुआ रहता है। तो जनरली लैपिंग मशीन में हम वर्टिकल लैपिंग मशीन ही यूज करते हैं। कभी कभी सिलेंड्रिकल पार्ट्स को जब लैप करना होता है तो हम सेंटरलेस ग्राइंडिंग मशीन, सेंटरलेस ग्राइंडिंग मशीन में भी व्हीकल यूज करके लैपिंग प्रोसेस करते हैं। इसके अलावा लैपिंग बेल्ट से भी होती है। तो ये सारे प्रोसीजर है आपकी लैपिंग।